नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लर्न या से स्पीच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बोले शब्द वापस नहीं आते, एक बहुत ही सुंदर एक हिंदी कहानी, जो कहानी हम आपको लिखकर सुनाने वाले हैं। बोले शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ, उन पंखों को इकट्ठा करके वापस आओ। किसान वापस गया पर तब सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे। किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। Thank you.
तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर माफी जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए। पर ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। आप किसी को बुरा कहते हैं तो आप उसे कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बोले शब्द वापस नहीं आते, बोले शब्द वापस नहीं आते। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।